पीजी और ग्रैंडपा हमेशा से अपनी इस पोती को दुल्हन बनते हुए देखना चाहते थे और इसीलिए हमें उनका सपना जरूर पूरा करना चाहिए। हमने डिसाइड किया है कि मेरे और रीड की शादी के साथ साथ तुम्हारे और डॉलर की भी प्रॉपर तरीके से शादी करेंगे। इस घर में सब कोई तुमसे बहुत प्यार करते हैं और सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी एंड वीर। किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। किसी? तुम किसी नहीं हो। तुम भूल क्यों जाती हो कि तुम मेरी इकलौती प्यारी छोटी सी बहन। तो क्यों ना इसकी शुरुआत आज इससे कर दे। चिंता मत करो, उसे तो वीर संभाल लेगा। तुम बस जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। चलो चलो चलो। थैंक यू सो मच। यस यस, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और फाइनली चीज़ें हो रही है। अमृता जो चाहती थी, जो डिज़र्व करती थी वीर का प्यार, वो उसे मिल रहा है और खुशियाँ वापस लौटी है इस घर में बहुत टाइम बाद। और हम सब एक हैं, हम सब साथ में हैं, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं और फाइनली वो दिन आ गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और आस्था अमृता को देखती है और बहुत इमोशनल भी हो जाती है उसे देख कर और खुशी के आंसू निकल जाते हैं। या वो एक अलग से सरप्राइज प्लान किया गया है रिया के लिए और जब रिया सुनती है तब वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बिल्कुल रोने लगती है क्योंकि रिया की शादी तो हुई थी डॉलर से बट वो कोई फैमिली तभी प्रेजेंट नहीं थी और वो भी चाहती थी, डैडी जी भी चाहते थे हमेशा कि रिया को वो दुल्हन के गेटअप में देखे, उसकी शादी अटेंड करे और फाइनली अब ये हो रहा है क्योंकि मैंने और अमृता ने मिलकर प्लान किया है कि डॉलर और रिया की शादी दोबारा हो। थैंक यू।